हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे महामुनि, आप प्रेम और भक्ति की परासीमा हैं, जिन्हें कण कण में केवल अपने भगवान ही दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आप मुझ जैसे एक साधारण मानव को भी भगवान की संज्ञा दे रहे हैं। राम, आज तक जो चरित्र, जो अद्भुत कार्य तुमने किए हैं, ताड़का वध से लेकर धनुष भंग और परशुराम के गर्व मर्दन तक, उससे मन में यह विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि तुम इस लोक से परे कोई दैवी शक्ति, कोई अवतारी पुरुष हो, जो इस धरती पर धर्मात्माओं की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए अवतरित हुआ है। तुम ही मेरे काव्य के नायक हो राम। मैं वास्तव में कौन हूं, मैं किस कारण से जन्मा हूं, ये मैं कैसे जानूं? ये तो आप जैसा त्रिकालदर्शी ही जान सकता है। राम, आज तुम्हारे आने से वाल्मीकि की कुटिया पवित्र हो गई। तुम्हारे दिव्य तेज से सारा आश्रम प्रकाशमान हो रहा है। प्रभु अपने सेवक को बढ़ाई दे रहे हैं, यह आपका विशेष अनुग्रह है। अन्यथा इन श्री चरणों तक पहुंचना ही मेरा सौभाग्य है, जिनकी शरण में आने से ही मनुष्य अपनी आत्मा में निहित भगवान का स्पर्श अनुभव करने लगता है। और जानते हो राम, मैं इस समय क्या अनुभव कर रहा हूं? जैसे भक्त और भगवान का मिलन हो रहा हो, जैसे भगवान स्वयं चलकर भक्त के पास आ गए हों। महात्मन, आप तो कवि हैं, और कवि अपनी कल्पना में स्वयं ही अपनी भावनात्मक सृष्टि की रचना कर सकता है। कवि में इतनी शक्ति होती है कि वो भावना के बल से एक पत्थर को सजीव बना दे, फिर एक साधारण मनुष्य की भगवान के रूप में कल्पना कर लेना उसके लिए कौन सा कठिन कार्य है। ये कल्पना नहीं राम, जिस मनुष्य की ये स्थिति हो जाती है कि वो अपने अंदर स्थित भगवत स्वरूप के दर्शन कर सके, वो स्वयं भगवान ही हो जाता है। इस गूढ़ रहस्य को वही जान सकता है जिसे तुम जनवा दो। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही तुमई होई जाई। और जो तुम्हें जान ले वो तुम्हें में समा जाता है। हे महामुनि, आप प्रेम और भक्ति की परासीमा हैं, जिन्हें कण कण में केवल अपने भगवान ही दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आप मुझ जैसे एक साधारण मानव को भी भगवान की संज्ञा दे रहे हैं। राम, आज तक जो चरित्र, जो अद्भुत कार्य तुमने किए हैं, ताड़का वध से लेकर धनुष भंग और परशुराम के गर्व मर्दन तक, उससे मन में यह विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि तुम इस लोक से परे कोई दैवी शक्ति, कोई अवतारी पुरुष हो, जो इस धरती पर धर्मात्माओं की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए अवतरित हुआ है। तुम ही मेरे काव्य के नायक हो राम। मैं वास्तव में कौन हूं, मैं किस कारण से जन्मा हूं, ये मैं कैसे जानूं? ये तो आप जैसा त्रिकालदर्शी ही जान सकता है। मैं तो केवल अपने आप को एक मानव समझता हूं, जो दशरथ का पुत्र है और जिसका नाम राम है। और इस समय मैं अपने पिता की आज्ञा से अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष वन में रहने के लिए आया हूं। मैं किसी ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहता जहां मेरे रहने से किसी तपस्वी या साधक की साधना में विघ्न पड़े। आप विचार करके मुझे कोई ऐसा स्थान बताने की कृपा करें जहां मैं रहकर अपने वनवास के दिन व्यतीत कर सकूं। तुम मुझसे अपने रहने का स्थान पूछ रहे हो? पहले मुझे ये बताओ कि वो कौन सा स्थान है जहां तुम नहीं हो। प्रभु, इन गूढ़ बातों में मुझे न उलझाएं। सेवक को इस चित्रकूट में एक छोटा सा स्थान प्रदान करने की अनुमति दें, जहां हम रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया बना लें। वैसे तुम्हारी कुटिया तो हर भक्त के हृदय में है, फिर भी सांसारिक रूप से पूछ रहे हो तो ऋषि और मुनियों से सेवित इस चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे अपना स्थान बना लो। पुण्य सलीला मंदाकिनी
वास्तव में गंगा की ही एक धारा है, जिसे महर्षि अत्रि की तेजस्विनी पत्नी सती अनसुईया अपने तपोबल से नील पर्वत पर लेकर आई हैं। यहाँ के वनों में रहने वाले कोल किरात बड़े स्नेही और भक्त हैं। वो अपने राजा की तरह तुम्हारा आदर करेंगे और कुटिया के निर्माण में तुम्हारी सहायता करेंगे। जो आज्ञा। लक्ष्मण, जय और पराजय यदि गुप्तचरों के जीने मरने पर निर्भर हो तो शूरवीरता और रण कौशल व्यर्थ है। इन दोनों लंकावासियों को बंधन मुक्त कर दो। प्रभु, क्या आप सब हमसे सहमत नहीं है? नहीं नहीं आर्य श्रेष्ठ, ये बात नहीं, इन्हें मुक्त कर दो। प्रभु, क्षमा दया निधान क्षमा, हम तो दंड के भागी हैं। प्रभु, महाराज रावण ने हमें आपका सैन्य बल, आपके मंत्रियों और महारथियों के पास क्या क्या शक्तियां हैं, उनके युद्ध संचालन का कौशल कैसा है, रण की योजना और निर्बल स्थानों का भेद जानने के लिए भेजा था। अपने राजा की आज्ञा का पालन कर तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है। ये सब छलबल रणनीति के अंग हैं। यदि तुमने सारे भेद प्राप्त कर लिए हो तो लंका में जाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने राजा को हमारे बलाबल से पूरी तरह परिचित करा दो। यदि अब भी कुछ देखना शेष रह गया हो तो निर्भय होकर तुम उसका भी अवलोकन कर सकते हो। महाराज विभीषण तुम्हें पूर्ण रूप से सब कुछ दिखा देंगे। महाराज विभीषण इनकी सारी इच्छाएं पूरी कर दे। प्रभु, आप जैसा उदार शत्रु मैंने आज तक देखा ही नहीं। इसलिए कि मैं किसी प्राणी का शत्रु ही नहीं। आपके दर्शन करके, आपकी उदारता देखकर हमारी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो गई। शत्रु पर इतनी दया करने वाला पूजा के योग्य हो सकता है, शत्रुता के योग्य नहीं। ये ज्ञान दशानन को दे सको तो लंका का कल्याण हो जाए। अपने राजा से हमारा इतना संदेशा भी सुना देना कि केवल सेना की गिनती से और सेनापतियों के बल की थाह का भेद लेने से ही युद्धों का निर्णय और बैरी पर विजय प्राप्त नहीं होती। धर्म, नीति और सत्य ही यथार्थ शक्ति होती है। जीत सदा सत्य की होती है, अन्यथा हरेक शक्तिशाली आतताई अमर हो जाता। जो आज्ञा दया निधान। अयोध्यानाथ, अब हमें जाने की आज्ञा दी। जाओ और जाकर लंकेश को हमारी शक्ति और हमारी सेना के सारे भेद बता दो। यह चुनौती भी सुना देना कि जिस बल के भरोसे तुमने देवी सीता का हरण किया है वही बल अब अपनी सेना और सारी शक्ति के साथ रणभूमि में दिखाना। इसके साथ ही राजा रावण को तपस्वी राम की यह ललकार भी सुना देना कि राम केवल अपनी पत्नी के लिए ही नहीं लड़ रहा, अखिल विश्व के नारी सम्मान की सुरक्षा का आदर्श स्थापित करने के लिए एक धर्म युद्ध कर रहा है, जिससे भविष्य में ऐसी कुत्सित चेष्टा और ऐसा दुराग्रह कोई शक्तिशाली राजा ना कर सके। जाओ।